सभी का टीम आई एस यूट्यूब चैनल नमस्कार उम्मीद करते हैं कि आने वाली परीक्षाओं की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी आज का वीडियो हमारा ट्यूटोरियल इज रिगार्डिंग फैक्टर ऑफ रूमर्स क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स खास करके बी पी एस सी और यूपीएससी और हैव टू फेस दिस बिग ट्रबल ऑफ रूमर्स आप देखेंगे कि अक्सर जो है सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स फेस करना होता है इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग इस वीडियो में जो रूमर्स के अलग अलग डायमेंसन्स हैं उस पर चर्चा करेंगे चाहे वह न्यू स्टूडेंट्स हों या ओल्ड स्टूडेंट्स हों सभी को अफवाह रूमर्स बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है कई बार ऐसा भी होता है कि रूमर्स के कारण आपकी प्रेपरेशन जो है वो डिटेल्ड हो जाती है हम लोग इस वीडियो में इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे उससे पहले कि मेन कंटेंट हम लोग शुरू करें अगर आपको हमारा चैनल हमारा वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें सो लेट्स स्टार्ट विद दी वीडियो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड की रूमर्स हैव अ वेरी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द प्रेपरेशन फॉर एनी सिविल सर्विस आस्पिरेंट्स आप इस चीज को नोटिस किए होंगे कि देयर आर टॉपर्स चाहे आप वो सिक्सटी सेवन में कुछ जो सफल स्टूडेंट्स हैं वो एंड आई एम नॉट मीयरली टेलिंग अबाउट सम ऑफ़ दी बी पी एस सी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सम ऑफ दी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन यू पी एस सी सो बोथ यू पी एस सी एंड बी पी एस सी दे गिव सम वेरी फॉल्स क्लेम उनका जो क्लेम होता है बहुत ही फॉल्स क्लेम होता है सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि उनका माइंड सेट किस तरह से काम करता है खास करके जो रूमर्स को फैलाते हैं एक प्रकार का किक मिलता है मेंटल किक आप कह सकते हैं वह मिलता है एक तो पहला पॉसिबिलिटी यह होता है दूसरा पॉसिबिलिटी यह होता है कि ट्राइंग टू गेट प्रोमिनेंस किसी तरह से उनको इम्पोर्टेंस मिले अमोंग अदर पीपल अमॉन्ग स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जाम और उस इम्पॉर्टेंस से उनका रेस्पेक्ट बढ़े तो ये कुछ स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं जो रूमर मोंगर्स होते हैं जो रूमर्स माइंड माइंडसेट इस तरह से काम कर सकता है कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन बेसिकली यही होता है कि प्रोमिनेंस में आना है हाईलाइट में आना है कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देने हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो और उससे वह न्यूज़ में रहें और ऐसा लगे कि वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और उनको सम्मान मिले सो दीज कुड बी सम ऑफ द रीजंस व्हाई दे स्प्रेड रूमर्स और उनका जो माइंडसेट है उसको इस तरह से हम लोग डिकोड कर सकते हैं नाउ इस प्रकार का फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स क्लेम या रूमर फैलाने का प्रयास होता है उसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं अगर मान लीजिए कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट है अगर यह कहे कि आई स्टडीड फॉर ओनली फिफ्टीन डेज एंड आई क्लियर दी प्रिलिम्स एग्जाम और यह स्टेटमेंट जो है इट्स नॉट मियरली कन्फाइंड टू बी पी एस सी प्रम्स प्रेपरेशन इट्स ऑल्सो फॉर यू पी एस सी प्रिलिम्स प्रेपरेशन आप कई बार ऐसा सुने होंगे कुछ टॉपर्स हैं जो इस तरह का क्लेम करते हैं कि उन्होंने पंद्रह दिन की तैयारी की तो काम के साथ साथ उन्होंने तैयारी की अंतिम पंद्रह दिन और उन्होंने प्रिलिम्स को क्लियर किया बहुत अच्छे नंबर आए ट का टॉपर कहने का उनका यह मतलब है कि उन्होंने जो तैयारी की, की और वह टॉपर हो गए साथ में वह फर्दर ऐड कर देंगे कि आ, हम सिर्फ गाइड बुक्स को रेफर किए डिडेंट रेफर एनी बेसिक बुक्स आई डिडेंट रेफर एनी स्टैंडर्ड बुक्स आई डिडेंट रेफर एनी नोट्स और सिर्फ मैंने गाइड बुक्स को रेफर किया और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया और या मेरा मेंस क्लियर हो गया मैंने कभी भी आंसर राइटिंग नहीं की मैंने कभी भी बेसिक बुक्स को फॉलो नहीं किए एंड माय एग्जाम्स वर क्लियर फर्दर यू विल फाइंड टी एड से ऐसे का पेपर भी आ गया है तो आप देखेंगे कि इस तरह का भी क्लेम आएगा हालांकि इन यू यू विल फाइंड कि बहुत सारे ऐसे टॉपर्स होते हैं कि वह बोलेंगे कि नॉट अ सिंगल एसेड दे रॉट

क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक सही डायरेक्शन की जरूरत होती है सही एडवाइस और सही इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और जेन्यून इंफॉर्मेशन के बीच में कई बार न्यू स्टूडेंट्स ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि क्या मिसलीडिंग है या क्या जेन्यून है सो डू रिमेन केयरफुल आपको इस चीज को ध्यान रखना है एज आई सेड अर्लियर कि रूमर्स जो होता है कई बार जो है आपके प्रेपरेशन को डायरेक्टली इम्पेक्ट कर देता है बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट करता है देयर फोर स्टे क्लियर ऑफ रूमर्स आप रूमर्स पर कभी भी विश्वास नहीं कीजिए एज इट हैज़ बीन सेट इन इंडियाज फॉरन पॉलिसी एज वेल दैट यू कैन ट्रस्ट योर फॉरन पार्टनर्स बट ट्रस्ट कीजिए लेकिन वेरीफाई जरूर कीजिए वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि जो सामने वाला स्टेटमेंट दे रहा है उसका उसका स्रोत क्या है उसका सोर्स क्या है क्या उसके पीछे लॉजिक है या हिडन एजेंडा है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के बाद ही जब आप रूमर्स के बारे में सोचेंगे तो आपको क्लियरली लग जाएगा कि दीज आर रूमर्स दीज आर फेक इन्फॉर्मेश शुड बी इग्नोर्ड एक और एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे और जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले एक्सपीरियंट्स हैं वह इससे आइडेंटिफाई करेंगे कई बार आप ऐसा सुनते होंगे कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है ये और कोई विशेष सूत्र है वह कौन सा विशेष सूत्र है इसके बारे में मुझे आज तक जानकारी नहीं मिली और मैं समझ नहीं पाया कि हु एग्जैक्टली आर दी इन्फॉर्मेंट्स जो विशेष सूत्र होते हैं आई कुड नेवर गैदर आउट और इसमें देखिए एक रीज़न क्या होता है इस तरह का इनसाइडर इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने वाले बहुत सारे ऐसे नॉन आस्पिरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ उनका सिविल सर्विस की तैयारी से कोई लेना देना नहीं होता है हालांकि कुछ सिविल सर्विस आस्पिरेंट्स भी ऐसे होते हैं तो ईआरपी इसके पीछे मेन फैक्टर होता है वह चाहते हैं कि कैसे भी उनका इंपॉर्टेंस बढ़े और they want to increase their credibility. Uh, दे वांट टू इंक्रीज देयर क्रेडिबिलिटी वह रॉन्ग इंफॉर्मेशन देकर उनको यह uh, ऐसा लगता है कि इससे उन, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वैलिडिटी बढ़ जाएगी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है ईआरपी बढ़ाने के कारण क्या होता है वह जो इंटेंशन होता है तो दैट इज़ ऑलवेज एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्रेडिबिलिटी और होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो बिहार में जो गाँव में रह के तैयारी कर रहे हैं या जो दिल्ली में रह रहे हैं उनकी वलनरेबिलिटी ज़्यादा होती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के कॉन्टेक्स्ट में इसका एक सबसे बड़ा रीजन यह होता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिशन हर दिन बढ़ रहा है आप देखिए कि एक प्रिलिम्स एग्ज़ाम में अपियर ऑन एन एवरेज थ्री टू फोर लैख स्टूडेंट्स दे अपियर इन द एग्ज़ाम और हार्डली अ फ्यू थाउजेंड्स हैव टू क्लियर द प्रिलिम्स एग्ज़ाम तो रूमर्स जो होता है वह रूमर्स जो है वह अपने आप इंस्टेंट वह फैल जाता है उसके पीछे कारण है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वह एग्जाम्स के प्रति बहुत ही वल्नरेबल होते हैं एवरीबॉडी वांट सक्सेस तो रूमर जो होता है फेक इन्फॉर्मेशन होता है अगर वह इन्फॉर्मेशन इस प्रकार का है जो स्टूडेंट के माइंड के को सूट कर रहा है तो उस कारण से रूमर फैलता है और इस कारण से स्टूडेंट्स की वल्नरेबिलिटी जो होती है फेक इन्फॉर्मेशन के प्रति बढ़ जाती है अब एक क्लासिक एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं जो इन साइडर इंफॉर्मेशन दि सो कॉल्ड जो विशेष सूत्र होते हैं देखिए ऐसा कहा गया सिक्सटी नाइन्थ मेन्स का जो एग्जाम है इट्स इट्स नॉट रिजल्ट एग्जाम तो सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी मेन्स का जो एग्जाम है यह नौ दिसंबर से होने वाला है मस्ट हैव सीन कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में चर्चा थी इन्फॉर्मेशन दी गई थी और यह भी क्लेम किया गया था कि विशेष सूत्र के माध्यम से यह जेन्यून इंफॉर्मेशन है 9th Now, जो पहली बार सिक्सटी नाइन बीपीएससी मेन्स देंगे क्लियरली दे वु बिन डिस्टर्ब फॉर क्वाइट सम टाइम अब आपको यह ध्यान रखना है कि इसका काउंटर सबसे पहला काउंटर तो ये आता है कि ऑनरेबल चेयरमैन सर का दो बार शायद ट्वीट आया है एंड यू अंडरस्टैंड कि ही अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एनीबडी होल्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन स्पेशली अ चेयरपर्सन ऑफ कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट करती है आप समझ सकते हैं कि उनका जो ट्वीट होगा उसका एक वेट होता है और जो ट्वीट होता है उसका एक वैलिडिटी होता गिव एनी फेक और फ्रीबोलस ट्वीट जस्ट टू गेन टीआरपी यू अंडरस्टैंड ही इज बियॉन्ड दिस थिंग्स तो नेचुरली चेयरमैन सर का ट्वीट आया है कि सिक्सटी नाइन बीपीएससी मेन्स का एग्जाम जो है दैट वुड बी टूवर्ड्स द्लोज ऑफ दिसंबर और दी स्टार्टिंग पार्ट ऑफ जनवरी तो नेचुरली जब यह ट्वीट आया हुआ है तो यू टेक इट यही होने वाला है या अनफॉर्चुन सिचुएशन होता है तो डेट आगे बढ़ेगा नौ दिसंबर कभी नहीं हो सकता है दैट इज फॉर श्योर लेकिन इस प्रकार का न्यूज फ्लोट किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल्सो आई नोटिस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले से भी बीपीएससी की तैयारी करते रहे हैं और उनको सफलता भी मिली है दे ऑल्सो वर टू गेट कंफर्मड वेदर एग्जाम वुड बी हेल्ड फ्रॉम नाइन दिसंबर और नॉट सो यू कैन वेल अंडरस्टैंड ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस तरह से जो मिस इन्फॉर्मेशन रूमर से नुकसान हो जाता है नाउ डू अंडरस्टैंड कि प्रेजेंट बीपीएससी का जो वर्क कल्चर है वह वेरी डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट एग्जिस्टेड टू और थ्री इयर्स बैक अभी के जो चेयरमैन सर हैं अगर जो बीपीएससी के एग्जाम प्रोसेस को जो कमीशन का वर्क कल्चर को ट्रैक कर रहे हैं पिछले फोर फाइव ईयर्स से इन पर्टिकुलर उन लोगों ने इस चीज़ को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अभी जो BPSC का वर्क कल्चर है दैट इज़ फार मोर ट्रांसपेरेंट कम्पेयर टू वॉट एग्जिस्टेड फोर टू फाइव ईयर्स बैक चार से पाँच साल पहले आपको बी के बारे में कोई भी जेन्यून इंफॉर्मेशन नहीं मिलता किसी भी स्रोत से एंड दिस इज सर्टनली रियलिटी अभी आपको ऑनरेबल चेयरपर्सन सर आपको ट्वीट कर कर पहले ही बता देते हैं कि इस इस समय में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है प्लस एग्ज़ाम कैलेंडर इज देयर दिस इज ट्रू की एग्जाम कैलेंडर कई बार फेल किया है बट एटलीस्ट यू हैव सर्टन रोड मैप आज से चार साल पाँच साल पहले बी पी एस सी वुड नॉट इश्यू एनी एग्जाम कैलेंडर नॉर देयर वुड बी एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द साइड ऑफ द बी पी एस सी ऑफिसियल्स तो अगर आप इस चीज़ को आप देखिए तो बी पी एस सी के वर्क कल्चर में बहुत सारा पॉजिटिव्स है एंड डो अंडरस्टैंड वन थिंग कि अभी जो नॉर्थ इंडिया में जो भी सिविल सर्विस के कमीशंस हैं उसमें बी पी एस सी इज वन ऑफ द बेस्ट मे आई से दैट बी पी एस सी इज द बेस्ट एट प्रेजेंट नॉट इवन उत्तर प्रदेश ई सी एस इज एज गुड एज बी पी एस सी देर फोर चेयरमैन सर के ट्वीट का वेट होता है ही होल्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन यू शुड नॉट हैव बिन मिसलेड बाई रूमर्स दैट सिक्सटी नाइन बी पी एस सी मीन्स वुड बी कंडक्टेड फ्रॉम नाइंथ ऑफ दिसंबर एंड एज आई सेड अर्लियर की जो रूमर्स होते हैंड लाइक वाइल्ड फायर कोई भी अच्छी न्यूज होगी तो आप देखिएगा कि उसको स्प्रेड होने में बहुत टाइम और एफर्ट लगता है लेकिन रूमर्स को स्प्रेड करने में बहुत आसानी से वो स्प्रेड करता है और उसका डैमेजिंग इम्पैक्ट यू अंडरस्टैंड ऑन योर प्रेपरेशन ऑन योर ऑन योर मेंटल पीस दैट कैन बी वेरी प्रोफाउंड सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको अभी का वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको हमारा वीडियो हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें हम जल्द ही अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं अनटिल देन बाय